डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के मृतक नवल चौधरी का शव गोवा से पैतृक गांव पहुंचा। गांव में छाया मातम। डंडई थाना क्षेत्र के मृतक नवल चौधरी का शव गोवा से पैतृक गांव जरही पहुंचा। गांव में छाया मातम। मुखदेव चौधरी के पुत्र नवल चौधरी उम्र लगभग 35 वर्ष का बुधवार को गोवा राज्य में मजदूरी का काम करने के दौरान मौत हो गई थी। बताया गया कि मृतक जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मोपा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहा था। काम करने के दौरान दीवार गिर जाने से वह चपेट में आ गया और उसकी मौत स्पॉट पर ही हो गई थी। मृतक के दो बच्चे उमेश चौधरी उम्र 14 वर्ष, सुकुल चौधरी 7 वर्ष एवं पिता और माता थे। वह करीब एक सप्ताह पहले मजदूरी करने गोवा राज्य गया था। मृतक के पड़ोसी ग्रामीण संजय कुमार चौधरी भुवनेश्वर चौधरी बताया कि नवल चौधरी करीब एक सप्ताह पहले गोवा राज्य में मेघालय नामक कंपनी में काम करने गया था। काम करते एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि उसकी मौत की खबर गांव में आ गई। मजदूर की मौत पर ग्रामीणों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। युवक ग्रामीण शंकर चौधरी, वार्ड सदस्य अनिल चौधरी, मुखिया महेंद्र चौधरी सहित अन्य ने बताया कि झारखंड में इतने खनिज पदार्थ होते हुए भी सरकार कोई भी बड़ा फैक्ट्री नहीं खोली। अगर यहां रोजगार रहता तो ये सब देखने को नहीं मिलता। मुखिया महेंद्र चौधरी ने ढांढस बंधाते हुए सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं अनिल कुमार चौधरी, इस वार्ड के प्रतिनिधि। मैं, ये घटना चार दिन पहले हुआ था गोवा में। गोवा से बहुत कठिन परिश्रम करते हुए यहाँ बॉडी मंगवाए। बॉडी आने के बाद दाह संस्कार के लिए जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस तरीका की घटना न हो कि अन्य राज्य में, मेरा राज्य में व्यवस्था बने। मैं मुखिया जी से अपील करूँगा कि इनके जितने भी सरकारी लाभ होते हैं वो प्राप्त करवाएंगे। नवल चौधरी के दो पुत्र हैं, उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनके लिए जो सरकार की व्यवस्था जो किया गया, सरकारी सुविधा, उसमें सभी लोग तो बोलबे किए हैं और सब मिलना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो नया सिस्टम लागू किया गया है, जिनका यदि माता मर जाते हैं या पिता मर जाते हैं, तो उसे पढ़ाने के लिए सुविधा के रूप में भरण पोषण करने के लिए सरकार के द्वारा जो नया कानून नियम बनाया गया, झारखंड सरकार द्वारा बाल संरक्षण आयोग के तहत 4000 रुपये प्रति माह इसको लागू कराने के लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द लागू करा करके इन लोगों को उस तरह का छात्रवृत्ति मतलब दिलवाने का काम करे कि ताकि बच्चा का परवरिश हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुणेश्वर यादव। आज यह जो घटना घटा है बहुत दुख की बात है, और मैं खास करके झारखंड सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, जो कि हमारे झारखंड में हर राज्य से अधिक मात्रा में यहाँ पे संपत्ति है, जो कि झारखंड एक ऐसा राज्य है कि सारा चीज़ व्यवस्था हो सकता था, लेकिन यहाँ के हमारे नेता मंत्री के द्वारा एक फैटी भी नहीं लगाया जा रहा है। खास अगर फैटी होता तो यहाँ के लोग प्लान नहीं करते, अपने राज्य स्तर पर ही अपना रोजी रोटी करते। और आप देखते होंगे कि जो विधायक मंत्री आते हैं तो बोलते हैं कि रोड बनवा दिए, लेन तनवा दिए। लेन और रोड से विकास नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोगों को पानी चाहिए। जब हम बाहर भी जाते हैं काम करने के लिए तो देखते हैं बड़ी बड़ी नदियाँ जो है बांध करके बिजली पैदा कर देते हैं, वहाँ पे फैटी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा थोड़ा सा ही पालन किया जाता है। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, इनके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी पारिवारिक लाभ मिलता है, पेंशन, पारिवारिक लाभ और अम्बेडकर आवास विधवा के दिया जाता है, हम लोग अधिक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द करवाएं सरकारी लाभ के लिए। जी, क्या घटना क्या हुआ? घटना, मजदूर थे, बाहर गए हुए थे काम करने के लिए, और इन्होंने दो दिन पहले वहाँ पहुँचे थे काम करने। आकस्मिक घटना हो गई, दीवार पलट गया था जिनसे इनकी निधन हो गई। हमने सभी लोगों को अपने माध्यम से, अपने ओर से, पूर्व विधायक अनिल प्रताप देव की ओर से सभी पदाधिकारियों को हमने सूचना दिलवाया। किसी तरह वहां से बॉडी मंगाया गया है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही जी को अभी तक ये होश नहीं है कि हमारे घर में इतनी बड़ी घटना हुई है। ये घर है उनके लिए, अभी तक उनको कोई सूचना नहीं है, न उनके कोई यहाँ अधिकारी पदाधिकारी हैं। इनके परिवार में कितने सदस्य थे? इन लोग, वही दो इनके बच्चे हैं,
और एक माँ एक पिताजी। बड़े बच्चे कितने उम्र के हैं? वही 7-8 साल का है। पांच बहन नहीं 15 साल का लड़का है। 14 साल। और बच्चा छोटा है? बच्चा छोटा है। कितने वर्ष के? वही 6-7 साल का। 6 साल। खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शीट शॉप, अब कम खर्च में पाइए सुंदर व आकर्षक पीवीसी मार्बल शीट और दीजिए अपने दुकान, घर और ऑफिस को वीआईपी लुक। विशेष जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। खुशबू इंटीरियर एवं मार्बल शीट शॉप, रामा साहू हाई स्कूल के पास गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।